हेलो एवरीवन, इस स्टूडियो में देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और फर्स्ट शिफ्ट के पेपर भी हो चुके हैं, तो सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से नहीं आए थे, क्या लेवल था पेपर का, और इस एग्जाम का पूरा कम्प्लीट एनालिसिस है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन वाइज, देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जीके से। जीके से आए थे एक क्वेश्चन, हिस्ट्री से था एक क्वेश्चन, फिर पॉलिटिक्स से था चार क्वेश्चन, ज्योग्राफी से था एक क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से दो से तीन क्वेश्चन था, स्टैटिक अवेयरनेस से था एक क्वेश्चन, और बायो से था एक से दो क्वेश्चन, फिर करंट अफेयर्स से था चार पांच क्वेश्चन। देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है करंट में रेलवे मिनिस्टर अभी कौन है। रेलवे मिनिस्टर अभी कौन है, तो ये है पीयूष गोयल। आप कैबिनेट मिनिस्टर सारा याद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया था और सीएचएसएल में फिर से पूछा गया है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो रहा है सीजीएल से और सीएचएसएल से भी। तो अभी रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट लोकपाल, पहले लोकपाल कौन है, तिनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल हैं और ये कॉन्सेप्ट लिया गया था लोकपाल का स्वीडन से। लोकपाल का कॉन्सेप्ट लिया गया था स्वीडन से और इसको स्वीडन में ओम बट्समैन भी बोला जाता है। इसका इंग्लिश नाम ही है ओम बट्समैन और इंडिया में इसको बोलते हैं लोकपाल। ये कॉन्सेप्ट लिया गया था स्वीडन से और इसके चेयरमैन इनके अभी लोकपाल के अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष। और फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था लेंथ ऑफ गंगा, गंगा की लंबाई कितना है, तो इसका सी आंसर है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। फिर पूछा गया था टेन्योर ऑफ लोकपाल, लोकपाल का टेन्योर कितना है, तो इसका सी आंसर है 5 ईयर, 5 साल इसका टेन्योर है लोकपाल का पिनाकी चंद्र घोष, इनके पहले अध्यक्ष हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा बैटल कब हुआ था, तो इसका सी आंसर है 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा बैटल, जो कि अहमद शाह दुरानी या फिर अब्दाली, अहमद शाह दुरानी या फिर अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, तो इसमें अहमद शाह अब्दाली जीते थे। और पहले लड़ाई हुआ था पानीपत का 1526 में, और दूसरा लड़ाई हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। पहला 2656, तीसरा 1761। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है प्लेयर इन कबड्डी, कबड्डी में कितने प्लेयर हैं, तो कबड्डी में 12 प्लेयर हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था सी एम ऑफ गोवा, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, जो कि अभी हाल ही में बने हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। और फिर पूछा गया था गूगल के सीईओ, गूगल के भी चेयरमैन कौन है, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इंडिया तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं सुंदर पिचाई। फिर क्वेश्चन पूछा गया था मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ किनको मिला है, तो मिला है मार्लिन बूथ और जोकल अल हार्थी। मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है मार्लिन बूथ को और जोकल अल हार्थी, इनको इनके लिए भी प्राइज़ मिला है। सेलेसियल बुक बॉडीज़ बुक के लिए भी प्राइज़ मिला है इन दोनों को, सेलेसियल बॉडीज़ बुक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के सीईओ, वर्ल्ड बैंक के सीईओ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। फिर पूछा गया था हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है डब्ल्यूएचओ का। और फिर पूछा गया था प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, तुर्की के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो अभी तुर्की में हाल ही में इलेक्शन हुआ था, तो इसका प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब इर्दोगन, रेसिप तैयब इर्दोगन। और तुर्की का कैपिटल हो गया अंकारा, अंकारा जो कि तुर्की का कैपिटल है। आगे देख लेते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग से पूछा गया था एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इजी था, लेवल इसका इजी था। फिर ऑड वन आउट से पूछा गया था 2 क्वेश्चन, सीरीज से था 3 क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन से था 1 क्वेश्चन, फिर डायरेक्शन से था 1 क्वेश्चन, और सीरीज से थोड़ा इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था, और सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी से पूछा गया था 1 क्वेश्चन, जो कि ईजी था। फिर कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन था, मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन था, मिरर से 1 क्वेश्चन था, और सारे का लेवल ईजी ही है। फिर पेपर फोल्डिंग इमेज से 1 क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 137, तो ये क्वेश्चन जो कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पहले बढ़ रहा है प्लस, प्लस 2 बढ़ रहा है, फिर प्लस 4 बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से आगे प्लस 6 बढ़ेगा, तो इसका आंसर 13 होगा, पर ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था साइन 4/5, साइन इज इक्वल टू 4/5, तो टेन इज इक्वल टू व्हाट, टेन बराबर क्या होगा, तो साइन का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है PYH, PYH साइन का फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये हो गया पी इधर, ये हो गया एच, नीचे हो गया बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, ये हो गया 90 डिग्री, इसलिए परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है और नीचे वाला बेस होता है। तो पी वाई एच यानी कि पी दिया हुआ है 4 और एच दिया हुआ है हाइपोटेनस 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से नीचे 3 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूला से आ जाएगा बी बराबर 3। तो टेन का फार्मूला होता है पी वाई बी, टेन का होता है बी पी वाई बी, तो पी बराबर हो गया, पी बराबर दिया हुआ है पहले से 4 यानी कि 4, और b बराबर अभी निकला 3, तो 4/3 इसका सही आंसर है।
टेन बराबर 4/3। और फिर मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो से एक क्वेश्चन था, एवरेज से दो क्वेश्चन था जो कि ईजी टू मॉडरेट इसका लेवल है। फिर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था एक से दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा गया था जो कि ईजी था। फिर सिंप्लीफिकेशन से दो क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं था, और स्पीड एंड डिस्टेंस से था एक क्वेश्चन, CISS से तीन क्वेश्चन था जो कि इसका लेवल ईजी टू मॉडरेट है, ज़्यादातर का लेवल ईजी ही है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था एक क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से दो क्वेश्चन था, इसका लेवल ईजी टू मॉडरेट है। फिर मेंसुरेशन से था दो क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से था दो क्वेश्चन, इसका भी लेवल ईजी है। और फिर DI से था तीन क्वेश्चन, DI से तीन क्वेश्चन था जो कि ईजी है लेवल इसका। फिर आगे देख लेते हैं, आगे इंग्लिश का एरर डिटेक्शन से था दो क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन था जो कि ईजी था। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से था दो से तीन क्वेश्चन, उसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट है। फिर स्पेलिंग करेक्शन से था एक क्वेश्चन, एडम्स फ्रेज था तीन क्वेश्चन, सैनिम्स था दो, एंटोनिम्स था दो, फिर एक्टिव पैसिव था एक, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से था, ग्रामर सेक्शन सारे से पूछा गया है। फिर फिल इन द ब्लैंक से था पाँच क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। फिर क्लोज टेस्ट पैसेज था, इस पर पाँच क्वेश्चन था जो कि ईजी टू मॉडरेट है। सो ये था क्वेश्चन और एग्जाम के लेवल जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं SSC CHSL 2018 के एग्जाम में।